हेलो गाइस, वेलकम टू रामसन ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था अकाउंटिंग क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटिंग का डिसएडवांटेजेस। तो पहला अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज होता है, अकाउंटिंग इज एक्सपेंसिस फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि आप लोगों को पता होगा ना, अकाउंटिंग करने का टाइम में अकाउंटेंट का जरूरी होता है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए लाइक टेली वगैरह चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो कॉस्ट इनकरिंग होता है। इसमें कॉस्ट क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है, स्मॉल फर्म के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग क्या है, स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस होता है, नॉट गारंटी फॉर एक्यूरेसी। जरूरी नहीं है कि हर टाइम अकाउंटिंग करने से हम लोग को प्रॉपर रिजल्ट मिले, कभी कल अकाउंटिंग अनएक्यूरेट भी हो सकता है, इसलिए एक्यूरेसी का 100% गारंटी नहीं होता अकाउंटिंग करने के टाइम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज होता है, अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कभी कल आप लोग मान लीजिए कि लाइक क्लोथ शोरूम जैसे होता है ना, तो क्लोथ लाइक क्लोथ शोरूम का बाहर जाइएगा तो आप लोग देखते होंगे कि मस्त एक पुतला होता है, जिसमें मस्त ड्रेस वगैरह लगा के पुतला को पहना के रखा हुआ होता है। तो आप लोग उस ड्रेस को देख के सोचते हैं कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो उस पुतला में तो ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, उस डॉल में तो ड्रेस बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब आप पर्सनली उसको ट्राई कीजिएगा तो क्या लगेगा, आप उसमें उतना सुंदर नहीं लगते। उसी तरह अकाउंटिंग में क्या होता है पता है, कभी कल कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे छिपाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि अकाउंटिंग मान लीजिए 31 मार्च 2021 को लेट सपोज क्लोज हो रहा है, ठीक है। इस दिन को आपका लास्ट डे है, इस दिन को मान लीजिए आपका टोटल सेल हुआ था 10 लाख रुपया, ठीक है, और इनकम मान लीजिए आपका 5 लाख हुआ था, ठीक है। तो मान लीजिए इस 5 लाख की इनकम में बैंक आपको मान के चलिए 10 लाख का लोन देने वाला था, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी कल ये होता है ना कि ये मान लीजिए 31 मार्च 2021 है, इस दिन क्या हुआ, इसी दिन आपका मान लीजिए 5 लाख इनकम था, इसी दिन मान लीजिए आपका 2 लाख और स्टॉक आ गया, ठीक है, तो आपका अब इनकम तो घट गया ना 3 लाख रुपये, क्योंकि आप इसी इनकम से इस 3 लाख इसी इनकम से आप क्या कीजिएगा, 2 लाख का एक्सपेंस कीजिएगा। तो अब आपका इनकम कितना हो रहा है 31 मार्च 2021 को, 3 लाख रुपीज हो रहा है, ठीक है। तो कभी कल अकाउंटेंट ये काम करते हैं ना कि 3 लाख को ये 3 लाख ना दिखा के वो टोटल कितना दिखा देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 5 लाख रुपीज, जिससे कि क्या होता है कि उस दिन को 31 मार्च को तो बुक्स में 5 लाख शो करता है, और नेक्स्ट दिन जब मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 होगा तो उस दिन को क्या करेंगे कि उन लोग उसी 2 लाख के एक्सपेंस को उस डे में दिखा देंगे, जिससे कि क्या होता है कि उन लोग कुछ फैक्ट को छिपा देते हैं। उसी तरह विंडो ड्रेसिंग में भी सेम उसका यही मतलब होता है। फिर अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि आपके दुकान में वर्कर्स होंगे जो आपके लिए काम करते होंगे, कभी अकाउंटिंग हमेशा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव को इन्फॉर्मेशन से अकाउंटिंग को कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए वर्कर कितना ऑनेस्ट है, ठीक है, वर्कर कितना काम करता है, ये अकाउंटिंग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है। तो ये अकाउंटिंग का बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेजेस होता है। फिर मैनिपुलेशन इज पॉसिबल एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग में कभी काल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट को दिखाया जाता है, मतलब कि अकाउंटिंग में कुछ कुछ फैक्ट गलत बताया जाता है, ठीक है, ये अकाउंटेंट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट। इसका मतलब ये होता है, मान के चलिए जैसे कि मान लीजिए दो फ्रेंड है, मान लीजिए दो फ्रेंड है, ये एक फ्रेंड है, मान लीजिए दो फ्रेंड है, दोनों गए फर्नीचर खरीदने, ठीक है, दोनों सेम क्वालिटी के फर्नीचर लिए, ठीक है, दोनों का फर्नीचर का कॉस्ट था 10,000 अप्रोक्स, ठीक है। इसका नाम है मान लीजिए राम, इसका नाम है लेट्स सपोज मोहन। मोहन बोल रहा है कि जब मैं फर्नीचर, मेरे हिसाब से हर साल में फर्नीचर 1,000, मतलब क्या हो रहा है कि मोहन के हिसाब से हर साल 10,000 का फर्नीचर में से हर साल वो 1,000 अपने बुक से क्या करेगा, डेप्रिसिएशन लेस करेगा। लेकिन राम के हिसाब से वो क्या कर रहा है कि मेरे हिसाब से फर्नीचर का कॉस्ट हर साल डेप्रिसिएट होगा 2,000। तो इसके हिसाब से 1,000 हो रहा है, इसके हिसाब से 2,000 हो रहा है। तो
तो ये अकाउंटिंग के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। जैसे कि पर्सनल जजमेंट से हमेशा अकाउंटिंग के लिए डिसएडवांटेजेस क्रिएट होते रहता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो।